नमस्कार आप सभी को आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की भर्ती यहाँ पर टैक्स असिस्टेंट और एमटीएस की वैकेंसी है कोई भी अप्लाई कर सकता है आप किसी भी स्टेट से हो यहाँ पर हम बात करें अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे मिल, पहले मिले और साथ में चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा टेलीग्राम का टेलीग्राम पर आपको इस तरह की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले मिल जाती है साथ में जब लाजम नजदीक होती है तो भी उसका रिमाइंडर आपको शेयर किया जाता है अब यहाँ पर हम बात करें ये आपकी वैकेंसी आई है स्पोर्ट्स कोटा की तरफ से ठीक है यह आपके टैक्स डिपार्टमेंट केरला की तरफ से है या आपका ट्वेंटी वन के लिए यहाँ पर जो रहेगा रिक्रूटमेंट अब यहाँ पर हम बात करें पोस्ट आपकी है टैक्स असिस्टेंट की पांच है एम की दो है पे स्केल यहाँ पर मैंशन है साथ में आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करके देख सकते हैं इसका लिंक गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जरूर चेक कीजिएगा और आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म आपको इसी में अटैच है इसी नोटिफिकेशन में नीचे नीचे अभी देखेंगे तो आपको इस आ, एड्रेस पर सेंड करना है अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाकी स्टेट वालों के लिए तो आपकी इकतीस दिसंबर 2021 तक है लेकिन अगर आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से हैं अंडमान निकोबार आइलैंड से हैं लक्षद्वीप से हैं जम्मू कश्मीर से हैं तो आपके लिए 14 जनवरी 2022 तक आप इसमें आवेदन कर सकते हैं यहां पर अब हम बात करें कि जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो तो आपको इसी में अटैच है नीचे नीचे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो ये आप डाउनलोड कर लीजिएगा ठीक है इसके अलावा एज रिलेशन के बारे में भी इसमें जानकारी सारी मैंशन है साथ में इसमें लिस्ट ऑफ गेम्स स्पोर्ट्स विच रिक्रूटमेंट रिकु, इज बीइंग मेड तो, गेम्स और स्पोर्ट्स के नाम यहाँ पर है टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी यहाँ पर मेंशन की हुई है मिनिमम एज मैक्सिमम एज भी यहाँ पर मेंशन है एसेंशियल क्वालिफिकेशन की हम बात करें टैक्स असिस्टेंट के लिए तो आपकी अठारह है मैक्सिमम आपकी सत्ताईस है साथ में एज रिलेशन जो होता है वो भी आपका है पांच साल के लिए रिजल्ट ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए दस साल एस सी एस टी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर अब यहाँ पर एम टी एस अठारह और मैक्सिमम यहाँ पर पच्चीस और साथ में अगर हम इसके लिए बात करें तो दसवीं पास होनी चाहिए साथ में इसके लिए डिग्री फ्रॉम डक यूनिवर्सिटी इट्स इक्विवेलेंट साथ में हैविंग डेटा एंट्री स्पीड ऑफ एट थाउजेंडन पर आवर तो ये दोनों की क्वालिफिकेशन आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लिया है अभी आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा बाकी इसको पढ़ करके आप जब जितनी भी जो क्वालिफिकेशन है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करें तो आप इसमें ज़रूर अप्लाई कीजिएगा लिंक आपको गिवन है ऑफिशियल वेबसाइट का वहाँ से आप डाउनलोड करके इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और टेलीग्राम के जो लिंक है वो मेंशन है वहाँ से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं इससे पहले जो वैकेंसीज आई है उनको आप ज़रूर देखिएगा डी एस यू की जो तरफ से जो वैकेंसी आई हुई है वहाँ पर भी आप एलिजिबल हैं तो आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा लिंक आपको आई बटन पर भी मिल जाएगा वीडियो का थैंक यू